हाँ जी, तो पिछले क्लास में हम पढ़ रहे थे किसान आंदोलन, पढ़ रहे थे किसान आंदोलनों में हमने शेखावटी किसान आंदोलन पढ़े थे, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। आज अपने मारवाड़ के किसान आंदोलन पढ़ेंगे, मारवाड़ रियासत में जो किसान आंदोलन हुए थे उनकी बात करेंगे। जब हम मारवाड़ रियासत की बात करते हैं तो मैं थोड़ी सी बात बताऊंगा। मारवाड़ जो रियासत हुआ करती थी, ये अपने राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत थी। सबसे बड़ी कोई रियासत थी राजस्थान में तो वो रियासत ही मारवाड़ी थी। लगभग राजस्थान का 26% जो एरिया था, जो क्षेत्रफल था, वो अकेले ये रियासत घेरा करती थी। जोधपुर राजधानी हुआ करती थी, इसलिए अक्सर हम इस रियासत का नाम जोधपुर रियासत भी पढ़ लेते हैं। तो मारवाड़ राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत थी। राजस्थान के कुल भूभाग का लगभग 26% एरिया जो था वो इसी के द्वारा घेरा जाता था, और इसकी जो राजधानी थी वो जोधपुर इसकी राजधानी हुआ करती थी। आज हम देखेंगे कि राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत के अंदर जो किसान आंदोलन हुए थे वो किस प्रकार हुए थे, उनके क्या कारण थे। एक बात और, ये जो मारवाड़ रियासत थी, इस मारवाड़ रियासत में मैंने एक दिन पहले ही बताई थी, किसी भी रियासत में दो प्रकार की भूमि हुआ करती थी, एक खालसा और एक जागीर। मारवाड़ रियासत में लगभग 87% जो भूमि थी वो जागीरदारों के पास में थी। केवल 13% जो भूमि थी वो राजा के सीधे नियंत्रण में थी और खालसा भूमि हुआ करती थी। स्वाभाविक सी बात है, जहां पर जागीरी भूमि ज्यादा होगी वहां पर कोई भी किसान तिहरे नियंत्रण में काम करता था, ट्रिपल कंट्रोल हो जाता था। कंट्रोल किसका? अंग्रेजों के साथ संधियां थी तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों का इंटरफेयर रहता था, राजतंत्र थे तो राजा का, और चूंकि वो उस जागीर के अंदर रहता तो जागीर का। तो जो यहां का किसान था वो एक प्रकार से तिहरे नियंत्रण में था, एक प्रकार से ट्रिपल कंट्रोल के अंदर काम कर रहा था, उसके अंदर जी रहा था, इसलिए थोड़ा यहां पर उत्पीड़न ज्यादा था। तो 87% भूमि जागीरदारों के पास थी और 13% भूमि खालसा मतलब राजा के पास में हुआ करती थी। इसलिए जो किसान था वो अंग्रेज, राजा और जागीरदार के तिहरे नियंत्रण के अंदर काम कर रहा था, उसके अंदर उसका उत्पीड़न हो रहा था। तो यहां पे किसान आंदोलन कब हुआ, क्या हुआ, उसकी और बात करते हैं। वापस देख लेना, राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत, राजस्थान के लगभग 26% भूभाग पर, इसकी राजधानी थी जोधपुर, यहाँ पर जागीरदारों के पास भूमि ज्यादा थी लगभग 87%, राजा के पास खालसा लैंड थी वो 13% ही थी, इसलिए किसान यहाँ पर अंग्रेज, राजा और जागीरदार तीनों के उत्पीड़न का सामना कर रहा था। ये तो नॉर्मल सी बातें। यहां पर जो किसान आंदोलन है पहले हम पढ़ लेते हैं उसके कारण क्या थे। 1930-31 में किसान आंदोलन शुरू हुआ था, हम उसके कारण पढ़ लेते हैं। तो एक बड़ा जोरदार सी चीज, 1931 में अपने यहां पर गांधी जी एक आंदोलन चला रहे थे। 1930-31 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था गांधी जी का, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था, और 1931 में गांधी इरविन समझौता हो जाता है और उसके बाद गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कर देते हैं। हालांकि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के बाद जब गांधी जी वापस आए थे तो उन्होंने 1932 में आंदोलन सविनय अवज्ञा वापस शुरू कर दिया था, लेकिन वो अब मजे वाली बात नहीं थी। जो पहले 30-31 में जो बवंडर आया था वो अब बाद में 32-33-34 में नहीं देखना पड़ा था, और 34 के अंदर तो गांधी जी ने चुपचाप आंदोलन वापस ही ले लिया था। और अगला जो बड़ा आंदोलन भारत के अंदर चला था वो फिर या तो आप 1940 का जो व्यक्तिगत सत्याग्रह गांधी जी शुरू कर देते हैं वो, या फिर बड़ा ही आंदोलन देखना तो फिर 42 का क्विट इंडिया मूवमेंट, ये भारत छोड़ो आंदोलन है। 1931 से 1942 के बीच में भारत में कोई बड़ा आंदोलन देखने को नहीं मिलता है, ब्रिटिश इंडिया के अंदर कोई बड़ा आंदोलन देखने को नहीं मिलता है, पर अपने स्थिति ठीक उल्टी है। जब इस एक दशक के दौरान 1930 से 1940 वाला जो समय था उसके बीच में जब ब्रिटिश इंडिया के अंदर बड़े आंदोलन नहीं चल रहे थे, अपने यहां पर कई आंदोलन चल रहे थे। अपने बिजोलिया उसी टाइम चल रहा था, भले ही बिजोलिया अपने अवनति की तरफ था, डिक्लाइन की तरफ जा रहा था, लेकिन फिर भी बिजोलिया किसान आंदोलन चालू था। शेखावटी किसान आंदोलन तो अपने चरम पर पहुंचा हुआ था उस टाइम, अपने एक्सट्रीम पे था 32-33-34 के अंदर, और इधर ये आंदोलन शुरू ही उस समय 1930-31 के अंदर हो रहा है। तो राजस्थान की स्थिति भारत से थोड़ी सी अलग ही प्रतीत होती है। यहाँ पर क्या कारण थे 1930-31 में आंदोलन शुरू होने के, जब हम कारण देखें, एक कारण मैंने नॉर्मल से आपको बताई दिया कि किसानों पर तिहरा नियंत्रण था, तिहरा नियंत्रण मैंने समझा दिया किसका क्या था, कि राजा, अंग्रेज और जागीरदार तीनों का ही कहीं ना कहीं उसकी जिंदगी में इंटरफेयर हो रहा था, और इस वजह से किसान परेशान ही था। अंग्रेज, राजा और जागीरदार, फ्यूडल लॉर्ड,
जो थे जागीरदार, जो थे सामंत थे, वो विभिन्न प्रकार के टैक्स लगा दिया करते, राजा की तरफ से हो जाया करते थे, अंग्रेजों का उत्पीड़न था कहीं ना कहीं। उसके बाद दूसरी चीज है कि जागीरदारों के पास भूमि ज्यादा थी, जागीरदारों का नियंत्रण और ज्यादा अन्य रियासतों की अपेक्षा, और मैंने अभी बताया लगभग 87% भूमि जो थी वो जागीरदारों के पास में हुआ करती थी। अनेक प्रकार के टैक्स लिए जा रहे थे, और ऐसा कहा जाता है कि छोटे बड़े मिला के लगभग 136 टैक्स, 136 जो लाख थे, लाख बाग जो थे वो लिए जा रहे थे। 1921 से 26 के दौरान लैंड सेटलमेंट करवाया गया था, भूमि बंदोबस्त करवाया गया था। खालसा जो क्षेत्र थे, खालसा क्षेत्रों में भूमि बंदोबस्त हुआ था, लैंड सेटलमेंट हुआ था, और इन खालसा क्षेत्रों में लैंड सेटलमेंट करने के बाद, भूमि बंदोबस्त करने के बाद जो भू राजस्व निर्धारित किया गया था उसके लिए कहा गया कि नगद में भू राजस्व लिया जाएगा, कैश में भू राजस्व लिया जाएगा, लैंड रेवेन्यू जो है वो कैश कलेक्शन होगा। और ये जो कैश कलेक्शन होता था, भू राजस्व जो नगदी में लिया जाता था उसको बोलते थे बिगोड़ी। भू राजस्व नगद में लेने की व्यवस्था थी, लैंड रेवेन्यू का कैश कलेक्शन था, भू राजस्व नगदी में लिया जाए, बिगोड़ी बोलते थे इसको। और ये बहुत ज्यादा थी, इसके रेट बहुत ज्यादा कर रखी थी, इस वजह से किसान इससे भी परेशान हो रखे थे बिगोड़ी से। और क्या कारण थे, 1920-21 के आसपास में जब अपने गांधी जी असहयोग आंदोलन चला रहे थे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला रहे थे जब गांधी जी, उस समय अपने मेवाड़ वाले रीजन में एक आंदोलन चल गया था, मोतीलाल तेजावत का एक आंदोलन था, एक ही आंदोलन नाम करके एक आंदोलन अपने मोतीलाल तेजावत चला रहे थे। हम आगे पढ़ेंगे, जब जनजाति आंदोलन पढ़ेंगे तब इसकी और बात करेंगे, भील और गरासिया जनजाति को लेकर आंदोलन चलाया जा रहा था। अतः मेवाड़ के लगता हुआ जो मारवाड़ का रीजन था, बेसिकली इसको हम गोड़वाड़ कहते हैं, इस गोड़वाड़ वाले रीजन में जो अपने बाली के आसपास का इलाका था, इस रीजन में जो भील और गरासिया जनजाति थी उनमें कहीं ना कहीं राजनीतिक चेतना आ रही थी, और वो भील और गरासिया यहां पर आंदोलन कर रहे थे, ये भी अपने आप में एक बड़ा कारण सामने आ रहा है। शेखावाटी किसान आंदोलन मैंने अभी बताया अपने एक्सट्रीम पे पहुंचा हुआ था, और शेखावाटी के टच करता हुआ जो नागौर वाला इलाका था उसमें किसानों में राजनीतिक चेतना आ रही थी, शेखावाटी किसान आंदोलन का असर पड़ रहा था और बड़ी जोरदार सी। 1929 में पूरी दुनिया में बहुत बड़ा रिसेशन आया था, आर्थिक मंदी आई थी, 1929 ग्रेट रिसेशन था, बहुत बड़ी मंदी आई थी। मंदी की वजह से जो फसलों के जो रेट थे वो बहुत ज्यादा घट गए थे, लोग बड़ी संख्या के अंदर बेरोजगार हो गए थे, इसलिए किसान उस आर्थिक मंदी का सामना कर रहे थे, इकोनॉमिक रिसेशन का सामना कर रहे थे। और बड़ी 1931 में अकाल पड़ा हुआ था, मारवाड़ वैसे ही अकाल के लिए प्रसिद्ध था, हर तीसरे चौथे साल अकाल पड़ जाया करता था, 1931 में भी अकाल पड़ा हुआ था, और अकाल के समय भी लगान में छूट नहीं दी जा रही थी, टैक्स में किसी भी प्रकार की रिबेट नहीं दी जा रही थी, बेकार एक अनिवार्य सा अंग हो गया था राजतंत्रों का, और किसानों से बेकार ली जा रही थी। ये सब कारण थे जिनकी वजह से 1930-31 में मारवाड़ में किसान आंदोलन उठ खड़ा हुआ। आप वापस देख सकते हैं क्या क्या कारण थे, किसान एक तिहरे नियंत्रण में काम कर रहे थे, अंग्रेज राजा तथा जागीरदारों के दबाव में वो काम कर रहे थे, जागीरदारों का नियंत्रण बहुत ज्यादा था क्योंकि लगभग 87% जो भूमि थी वो जागीरदारों के नियंत्रण में थी, 136 प्रकार के टैक्स लिए जा रहे थे, 136 प्रकार के कोई टैक्स अलग अलग प्रकार के जो लाग बाग लागते थी वो ली जा रही थी। 1921 से 26 के बीच में खालसा भूमि जो थी उस पर लैंड सेटलमेंट करवाया गया था, और लैंड सेटलमेंट के बाद कहा गया कि आज के बाद यहां से नकदी में भू राजस्व लिया जाएगा, और जो लैंड रेवेन्यू का कैश कलेक्शन हुआ करता था नकदी में जो लेने का तरीका था उसको बिगोड़ी बोलते थे। ये जो बिगोड़ी की दरें थी ये बहुत ज्यादा थी, ये बढ़ा दी गई थी। 1920-21 में जब एक आंदोलन हुआ था मोतीलाल तेजावत का मेवाड़ में, तो भील और गरासिया जनजाति में राजनीतिक चेतना आई थी, तो मेवाड़ के सटा हुआ मारवाड़ का जो गोड़वाड़ वाला प्रदेश था, बाली के आसपास का प्रदेश था, वहां की भील और गरासिया जनजाति भी आंदोलित थी, वहां की भील और गरासिया जनजाति भी राजनीतिक चेतना ला रही थी, और वो राजतंत्र के जागीरदारों के सामंतवाद के खिलाफ हो रही थी। शेखावाटी किसान आंदोलन अपने चरम पर पहुंचा हुआ था, और शेखावाटी के लगे हुए जो मारवाड़ के परगणे थे, विशेषकर जो नागौर पट्टी थी अपने, उस नागौर पट्टी के अंदर किसानों में कहीं ना कहीं असंतोष था, और वो आंदोलन करना चाह रहे थे। आर्थिक मंदी 1929 के आर्थिक मंदी की वजह से गरीब किसानों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था,
1931 में मारवाड़ में अकाल पड़ा हुआ था, अकाल के समय भी लगान में उन्हें किसी प्रकार की छूट नहीं दी जा रही थी। बेगार बिना पैसे दिए काम करवाना अपने आप में एक बड़ी बात हो गई थी। और कुछ राजनीतिक संगठन बन गए थे यहाँ पर, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बन गए थे, और वो जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थे वो भी यहाँ पर किसानों में राजनीतिक चेतना लाने काम कर रहे थे। हम आगे जब प्रजामंडल मूवमेंट पढ़ेंगे तो इनकी और बातें करेंगे। एक संगठन हुआ करता था मारवाड़ हितकारिणी सभा, और एक संगठन हुआ करता था मारवाड़ सेवा संघ। ये कुछ संगठन थे जो किसानों को जागरूक कर रहे थे, किसानों के बीच में काम कर रहे थे, राजतंत्र की खिलाफत कर रहे थे, सामंतवाद की खिलाफत कर रहे थे। तो आप वापस ये कारण देख लेना, किसानों पर तिहरा नियंत्रण, जागीरदारों के पास अधिक भूमि होना 87%, अनेक प्रकार के टैक्स 136, 1921 से 26 के बीच लैंड सेटलमेंट के बाद खालसा में भिगोड़ी लागू कर दिया गया, इसकी दरें बहुत ज्यादा थी। भिगोड़ी भू राजस्व जब नकदी में लिया जाता था उस अवस्था को बोलते थे। एक ही आंदोलन मोतीलाल तेजाउत वाले से गोडवाड़ क्षेत्र के बीलोर ग्रासिया में राजनीतिक चेतना आ गई थी। शेखावटी किसान आंदोलन की वजह से नागौरपट्टी के किसानों में राजनीतिक चेतना आ गई थी। आर्थिक मंदी की वजह से गरीब किसान परेशान थे। 31 के अकाल के बावजूद लगान में छूट नहीं दी जा रही थी, बेगार ली जा रही थी किसानों से, और मारवाड़ हितकारिणी सभा और मारवाड़ सेवा संघ जैसे जो राजनीतिक संगठन थे वो किसानों में जागरूकता लाने का प्रयास कर रहे थे। इन सब चीजों की वजह से 1930-31 में मारवाड़ में किसान आंदोलन शुरू होता है। हम बात करते हैं कैसे क्या आगे, और तो मारवाड़ का किसान आंदोलन 1930-31 का है। हमने ये 8-10 कारण पढ़े कि क्या क्या उसकी पृष्ठभूमि रही थी, क्या क्या उसके रीजन रहे थे जिसकी वजह से किसान आंदोलन करने पर उतारू हो गए थे या किसानों ने आंदोलन किया था। सबसे पहले 1930-31 में मंडोर, जोधपुर के पास में जो मंडोर नाम की जगह है, जो जोधपुर से पहले मारवाड़ की राजधानी हुआ करती थी, वहां के माली जाति के किसानों ने आंदोलन किया, माली किसानों ने आंदोलन किया, और उन्होंने कहा कि बिगोड़ी जो है अकाल पड़ा हुआ है, इसलिए बिगोड़ी में 50% की छूट की जाए, 50% उसके अंदर छूट की जाए, रिबेट दी जाए। जब किसानों ने आंदोलन किया तो रिबेट वगैरह तो नहीं दी गई, लेकिन उन्हें कहा गया कि अकाल है तो अकाल के समय में जितना उन्होंने मांगा था उतना तो नहीं किया गया, लेकिन कहा अकाल के समय लगान के अंदर थोड़ी राहत दे दी जाएगी। किसानों की मांग मान ली गई थी, पूरी तो नहीं मानी लेकिन कुछ हद तक मांग मान ली, किसान संतुष्ट होकर किसान अपने घर चले गए। तो अपने भी याद रखना कि मंडोर के मालिक किसानों ने आंदोलन की शुरुआत की थी, शुरुआत में बिगोड़ी को 50% छूट करवाना चाहते थे, और लेकिन राज्य सरकार उनकी ये मांग तो नहीं माने, लेकिन राज्य सरकार ने कहा कि अकाल के समय जो है वो आपको लगान के अंदर राहत दे दी जाएगी और छूट, एक तरीके से थोड़ी बहुत छूट देके किसानों को राजी करने का प्रयास किया था। तो ये याद रखना। तो सिंपल पूछे कि राजस्थान में माली जाति के किसानों ने कहाँ आंदोलन किया था, तो मंडोर के अंदर किया था, बिगोड़ी की राशि 50% कम करवाने के लिए। बिगोड़ी मैंने बता दिया, भू राजस्व नकदी में लेने का एक तरीका हुआ करता था। अब इसके बाद आगे बढ़ते, अपने भारत का बड़ा राजनीतिक संगठन हुआ करता था कांग्रेस, और अपने जो भी किसान आंदोलन चल रहे थे, बेसिकली अपने यहाँ पर एक बड़ा संगठन बना हुआ था राजस्थान सेवा संघ। राजस्थान सेवा संघ वाले विजय सिंह जी पथिक, राम नारायण चौधरी आदि जो लोग थे, ये कांग्रेस के पास बार बार जा रहे थे और कांग्रेस को कह रहे थे कि आप भी हमारे जो आंदोलन चल रहे हैं उनके अंदर भाग लीजिए, हमारे आंदोलनों में हमारी सहायता कीजिए। पर शुरुआत में कांग्रेस की नीति ये थी कि हम केवल ब्रिटिश इंडिया में आंदोलन चलाएंगे और देसी रियासतों में, प्रिंसली स्टेट्स में जितने भी आंदोलन चल रहे हैं उनमें हम कोई भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। हम हमारी पावर का डिवीजन नहीं करना चाहते, बंटवारा नहीं करना चाहते, बांटना नहीं चाहते, वरना नहीं तो हम अंग्रेजों को भगा पाएंगे, नई राज्यों का राजतंत्र समाप्त कर पाएंगे। इसलिए जो हमारे देसी राज्य जो भी थे उस समय भारत में लगभग 550 के आसपास में देसी रियासतें हुआ करती थी, 565 के आसपास में देसी रियासतें थी, उन देसी रियासतों के जितने भी प्रतिनिधि थे, वो जो प्रिंसली स्टेट्स जो बड़ौदा, भोपाल, पटियाला, हैदराबाद, मैसूर, जोधपुर, जयपुर, मेवाड़ जो भी थी, उनके जो प्रतिनिधि थे वो 1927 में अपनी अलग से पार्टी बना लेते हैं। 1927 के अंदर एक पार्टी बनाई गई थी, बॉम्बे के अंदर एक पार्टी बनाई गई थी, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद, ऑल इंडियन प्रिंसली स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद नाम का एक संगठन 1927 में बना लिया गया था, ऑल इंडियन प्रिंसली स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस नाम का एक संगठन 1927 में बॉम्बे के अंदर बना लिया था। आगे हम और बात करेंगे संगठन क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। जब ये संगठन बना तो इसकी देखा देखी अपने राजस्थान के अंदर भी, अपने मारवाड़ के अंदर भी 1929 में एक संगठन बना, और मारवाड़ में जो संगठन बना उस संगठन का नाम था मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद, मारवाड़ प्रिंसली स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस नाम का एक संगठन बन गया।
और अब ये जो संगठन था मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद 1929 में, इन लोगों ने कहा कि भाई हमें तो जोधपुर में मीटिंग करनी है, मीटिंग करेंगे और मीटिंग करके उसके अंदर किसानों को इकट्ठा करेंगे, बाकी जनता को इकट्ठा करेंगे, हम राजा का विरोध करेंगे। लेकिन जैसे राजा को पता चला ये लोग मीटिंग करने जा रहे हैं तो उसने रोक लगा। नेता जो बड़े बड़े जयनारायण व्यास बड़े नेता हुआ करते थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया और कहा कि यहाँ तो हम आपको मीटिंग नहीं करने देंगे। फाइनली इस मारवाड़ देसी राज्य जो लोक परिषद थी, ये जो मारवाड़ प्रेस्टी स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस थी, इनकी जो पहली मीटिंग हुई थी वो हुई बाद में 1931 में, 24-25 नवंबर 1931 में इनकी मीटिंग हुई पुष्कर अजमेर के अंदर मीटिंग हुई। अजमेर अंग्रेजों के सीधा नियंत्रण में होता था, गोरे बापड़े इस मामले में बड़े भले थे और गोरे यदि कोई नॉन वायलेंट तरीके से किसी प्रकार की मीटिंग वगैरह करने चाहो तो उसके लिए मना नहीं किया करते थे। इसलिए लगा कि मारवाड़ का राजा तो ये भी नहीं करने देगा तो क्यों ना अपने अजमेर में जाके कर ले, तो उन लोगों ने अजमेर में आके ये मीटिंग कर ली पुष्कर के अंदर। अजमेर के आर्य समाज के अपने एक बड़े नेता हुआ करते थे चांदकरण सारदा, और चांदकरण सारदा जो थे वो इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। अजमेर में मीटिंग थी तो अजमेर वालों का भी अध्यक्ष हम ही बढ़ेंगे, तो चांदकरण सारदा ने इसकी अध्यक्षता की थी। हम और बढ़ेंगे, इसमें कई बड़े बड़े नेता आए थे। इसमें कस्तूरबा गांधी ने भाग लिया था इस मीटिंग के अंदर, काका कालेरकर इस मीटिंग के अंदर भाग लेने के लिए आए थे, बड़े नेता आए थे अपने काम की बात। जब ये मीटिंग वहां पर हुई पुष्कर में 24-25 नवंबर 1931 को, इसमें कुछ डिसीजन लिए गए। राजा से कई मांग की गई, क्या मांग की गई? राजा से मांग की गई कि बिगोड़ी की दरें कम की जाए, बेगार समाप्त की जाए, एक तो बिगोड़ी में कमी लाई जाए और बेगार को समाप्त किया जाए। इसी के अंदर कहा गया कि जागीरदारों के जो जुडिशियल राइट है वो समाप्त किए जाए, फ्यूडल्स के जो भी न्यायिक अधिकार है उनके जो जुडिशियल राइट है उनको समाप्त किया जाए। तो साहब न्याय कौन करेगा? तो कहा पंचायतों की स्थापना की जाए, पंचायत स्टैब्लिश की जानी चाहिए, अलग अलग जगह पंचायत बनाओ। इनको किस बात की नेतागिरी दे रखी है आपने? और किसानों के कल्याण के लिए एक समिति बनाई जानी चाहिए, प्रेजेंट वेलफेयर कमेटी बनाई जानी चाहिए, उनके वेलफेयर के लिए अलग से कमेटी बने जो इस बात का ध्यान दे कि किसानों का कल्याण किस प्रकार किया जा सकता है। और इन्होंने कहा कि किसानों को भूमि स्वामित्व है, लैंड राइट्स किसानों को दिया जाना चाहिए, कि जब भूमि को किसान जोतता है तो किसानों को उसका हक भी मिलना चाहिए, किसान को उसका हक भी दिया जाना चाहिए, उस पर अधिकार भी दिया जाना चाहिए। तो 1931 में 24-25 नवंबर को पुष्कर में चांदकरण सारदा की अध्यक्षता में मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद की मीटिंग हुई। उस मीटिंग के अंदर कहा गया कि बिगोड़ी की दरें कम की जाए, बेगार को समाप्त किया जाए, जागीरदारों की जो जुडिशियल राइट है उनको समाप्त किया जाए, पंचायतों की स्थापना की जाए, किसानों के वेलफेयर के लिए कमेटी बनाई जाए और किसानों को लैंड राइट दिए जाने चाहिए, जिस भूमि को जोतते हैं उस भूमि पर उनको अधिकार दिए जाने चाहिए। वरना यह माना जाता था कि भूमि राजा की है, राजा ने आगे जागीरदार को दे रखी है और जागीरदार आगे किराए पर किसान को देता है, किसान जब तक उसका किराया चुकाएगा तब तक वो भूमि उसके पास रहेगी, वरना जागीरदार उस भूमि को छीन सकता है, किसान को उससे बेदखल कर सकता है। जबकि किसानों का मानना था कि जब खेती के अंदर पछते रीजते हम है तो ये भूमि हमारी है और हमें इसका स्वामित्व, हमें इसका अधिकार दिया जाना चाहिए। ये सारी बातें मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद के पुष्कर अधिवेशन के अंदर की गई थी। इन बातों के इंप्लीमेंटेशन के लिए 24-25 नवंबर को 1931 में पुष्कर में मीटिंग की। अब 26 नवंबर 1931 को जोधपुर के अंदर एक जगह बाईजी का मंदिर, इस बाईजी का मंदिर में वापस मीटिंग की गई और इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था शिवकरण जोशी की अध्यक्षता में एक वापस मीटिंग की गई और इस मीटिंग के अंदर वापस 26 नवंबर 1931 को बाईजी के मंदिर में शिवकरण जोशी की अध्यक्षता मीटिंग हुई और इस मीटिंग वापस वो बातें दोहराई गई और इस मीटिंग के अंदर कहा गया कि भाई बिगोड़ी में कमी लाओ, बेगार समाप्त करो, बेगार बंद की जाए और अकाल के समय लाख बाग में छूट दी जाए। यार कम से कम अकाल के टाइम तो ध्यान रखो, लगान जो है वो कम लिए जानी चाहिए। तो दो दो ये मीटिंग ध्यान रखनी है, एक वापस देख लो 1927 में पूरे भारत के देसी राज्यों के एक संगठन बना था अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद, ऑल इंडियन प्रेस्टी स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस बॉम्बे में। इसका मारवाड़ का जो संगठन था 1929 में मारवाड़ प्रिंसली स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस बना। इनकी जो पहली मीटिंग थी वो 24-25 नवंबर 1931 को पुष्कर में भी थी, उसके अध्यक्ष चांदकरण सारदा थे। इसके अंदर कहा गया था बिगोड़ी कम की जाए, बेगार समाप्त की जाए, जागीरदारों से जुडिशियल राइट छीन लिए जाए, पंचायत स्टैब्लिश की जाए, किसानों को वेलफेयर के लिए कमेटी बनाई जानी चाहिए, किसानों को उनके लैंड राइट दिए जाने चाहिए। और इसी के अगले दिन 26 नवंबर को जोधपुर में बाईजी का मंदिर में शिवकरण जोशी ने एक मीटिंग की और उसमें सेम बातें दोहराएगी कि बिगोड़ी कम की जाए, बेगार बंद की जाए और अकाल के समय लगान के अंदर छूट दी जानी चाहिए।
अब ये धीरे धीरे किसानों के अंदर राजनीतिक चेतना आनी शुरू हुई और किसानों में इसके लिए, अब तक ये केवल संगठनों तक सीमित था, अब संगठनों की जब बातें सुनी तो किसान जागरूक होने शुरू हुई, किसानों में राजनीतिक चेतना आनी शुरू हुई। और किसानों ने सबसे पहले जो नागौर पट्टी के किसान थे, क्योंकि शेखावटी किसान आंदोलन का वहां पर प्रभाव था, इसलिए जो नागौर पट्टी के किसान थे वो सबसे पहले इकट्ठे हुए और 2 अप्रैल 1932 को नागौर के अंदर डांगावास नाम का गांव है, उस डांगावास नाम के गांव के अंदर किसानों ने मीटिंग की और किसानों ने मांगे वापस अपनी दोहराई और किसानों ने कहा कि हमारी बिगोड़ी में कमी की जाए, अकाल के समय लगान के अंदर छूट दी जाए। और हमारे से जो अलग पर लगान में भी छूट दी जाए और कई प्रकार की जो लाग भाग ली जाती है उनको भी समाप्त किया जाए। जैसे एक जब खेतों की बुआई करते थे बुआई लाग लिया करते थे, तो इनका यार ये समाप्त करो, ये समाप्त किया जाना चाहिए लाग भाग। घास काटने पर राज की भूमि से जब घास काटते थे तो तब एक कर लिया जाता था। तो सबसे पहले डांगावास क्षेत्र के किसानों ने 2 अप्रैल 1932 को राजा को एक मांग पत्र सौंपा और उस मांग पत्र में अपनी डिमांड रखी कि बिगोड़ी को कम किया जाए, अकाल के समय जो लगान है वो हमसे कम लिया जाना चाहिए, लाग बाग समाप्त की जानी चाहिए, बेसिकली बुआई के टाइम जो बुआई लाग ली जाती थी और एक घासमरी लाग ली जाती थी। और इन्होंने कहा कि यदि आपने ऐसा नहीं किया तो हम हमारी जमीन के पट्टे आपको दे देंगे, हम आपकी खेती नहीं करेंगे। और इस बात को लेकर जब इनकी मांगे नहीं मानी गई तो 29 मार्च से 30 अप्रैल के बीच किसानों ने अपने जो पट्टे थे, जमीन के जो पट्टे थे, वो वापस दे दिए। और जिन्होंने पट्टे नहीं दिए उन्होंने बिगोड़ी नहीं दी, बिगोड़ी जमा नहीं करवाई। तो दो दो बातें याद रखना बेसिकली, कोई पूछे कि कब किस अवधि के बीच में पट्टा समर्पित किए गए थे, पट्टे दिए गए थे, 29 मार्च से 30 अप्रैल 1933 के बीच में ये पट्टे वापस दे दिए गए थे और बिगोड़ी जमा, और जिन्होंने पट्टे वापस नहीं दिए थे उन्होंने कहा कि हम बिगोड़ी भी जमा नहीं करवाएंगे। तो दो बातें की गई थी, तो डांगावास क्षेत्र के किसानों ने शुरू कर दिया था। अब राजा दबाव के अंदर आया, 1936 के अंदर किसानों के साथ समझौता कर लिया और 119 प्रकार की जो लागतें थी इनको समाप्त कर दिया गया, इनको अवैध घोषित किया गया, इलीगल घोषित किया गया, आज के बाद ये लागतें नहीं ली जाएगी। तो वापस ध्यान दे लेना, 2 अप्रैल 1932 को डांगावास क्षेत्र के किसानों ने बिगोड़ी जमा नहीं करवाएंगे, अकाल के समय लगान में छूट दो और बुआई लाभ और घासमरी कर जैसे लिए जाते हैं वो समाप्त किए जाए, इस बात को लेकर मांग पत्र दिया और कहा कि मांगे नहीं मानी गई तो हम आपको पट्टे वापस दे देंगे। जब मांगे नहीं मानी गई तो 29 मार्च से 30 अप्रैल 1933 के बीच किसानों ने पट्टे वापस दे दिए और जिन लोगों ने पट्टे वापस नहीं दिए उन्होंने बिगोड़ी जमा नहीं करवाई। इसलिए राजा पर दबाव आया, 1936 में राजा समझौता कर लेता, 119 प्रकार की जो लागतें थी वो समाप्त कर दी गई थी, लेकिन ये लागतें समाप्त कर दी गई थी, न्यायालय द्वारा इनको इल्लीगल घोषित कर दिया गया था, लेकिन जागीरदारों ने इसको लागू नहीं किया और जागीरदार उसके बाद में भी वो कर लेते रहे थे, वो जो लाग बाग थी वो लेते रहे थे। लेकिन 36 में एक बार लगभग लघु आंदोलन समाप्त हो जाता है, यह आंदोलन 1938 में जाके 2 साल लगभग बीच में सुप्त अवस्था में रहा, 1938 में जाके आंदोलन वापस शुरू होता है। अब जब आंदोलन बीच में जब 36 के अंदर आंदोलन बंद हुआ तो मारवाड़ रियासत ने जो भी राजनीतिक संगठन काम कर रहे थे, जो अभी हमने पढ़ा मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद, इस संगठन पर रोक लगा दी थी, मारवाड़ सेवा संघ वगैरह संगठन पहले ही रोक लगा दिए गए थे, इसलिए 1938 में आंदोलन ये दोबारा शुरू होता है और यहां पर एक नया संगठन बनता है, मारवाड़ लोक परिषद नाम करके एक नया संगठन बनाया गया और 1938 में दोबारा आंदोलन शुरू किया गया। 1938 में दोबारा आंदोलन शुरू करने का 2-3 कारण होते, एक कारण तो यह था कि 1936 में जो हम पहले एक संगठन पढ़ रहे थे, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद जो संगठन पढ़ रहे थे, उसका 5वां अधिवेशन था और 5वें अधिवेशन को नेहरू जी ने संबोधित किया और नेहरू जी ने उसके अंदर एक बात कही और नेहरू जी ने नेताओं को जाके कहा कि आप जनता के साथ रिलेशन बनाइए, जाके जनसंपर्क कीजिए, लोगों से मिलिए जुलिए, लोगों को बताइए कि उन्हें क्या किया जाना चाहिए। 1938 में सुभाष बोस जोधपुर की यात्रा करते हैं, जोधपुर में एक जगह पड़ती है गिरदी कोट, यहां पर एक सभा को संबोधित करके गए थे सुभाष चंद्र बोस। उसी साल 1938 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्ष बनते हैं, हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्ष बने
और इसके अंदर सुभाष बोस ने कहा कि हम जितने भी देशी रियासतों के अंदर जो भी आंदोलन चल रहे हैं उनको हम समर्थन देते हैं, और कांग्रेस ने पहली बार कह दिया कि देशी राज्यों में जो भी आंदोलन चल रहे हैं उनको हमारा समर्थन। इसलिए मारवाड़ में भी एक लहर सी है और मारवाड़ के लोगों ने 1938 में एक नया संगठन बना लिया, मारवाड़ लोक परिषद, और आंदोलन दोबारा शुरू कर दिया। क्या कारण थे तो वापस देख लेना। 1936 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का जो पांचवां सेशन था, ऑल इंडियन प्रेसली स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का, उसको नेहरू जी ने संबोधित किया था और नेहरू जी ने नेताओं को जनसंपर्क बढ़ाने पर बल दिया था। 1938 में सुभाष चंद्र बोस जोधपुर की यात्रा करते हैं, जोधपुर में गिरदी कोट नाम के स्थान पर एक सभा को संबोधित करते हैं। 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बनते हैं और इसके अंदर वो कहते हैं कि देशी राज्यों में जो भी आंदोलन चल रहे हैं उनको कांग्रेस अपना सपोर्ट करती है, कांग्रेस उनके साथ में खड़ी रहेगी। इसलिए 1938 में अपने यहाँ पर एक नया संगठन खड़ा हो गया, मारवाड़ लोक परिषद नाम का संगठन खड़ा हो गया। और मारवाड़ लोक परिषद ने दो तीन मांगे रखी सीधी सीधी। एक तो मारवाड़ लोक परिषद ने जो भी मारवाड़ सरकार की अकाल राहत नीति हुआ करती थी उस अकाल राहत नीति की आलोचना की। तो उसने कहा अकाल के टाइम में टैक्स में छूट ही नहीं देती हो किसी प्रकार का, और उसने कहा अकाल राहत नीति आपको चेंज करनी चाहिए, जो आपकी फेमाइन रिलीफ पॉलिसी है उसको चेंज किया जाए और कम से कम अकाल के टाइम तो किसानों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। ये वही दौर था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाला था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में युद्ध सहायता के नाम पर नया टैक्स लिया जा रहा था, वॉर सपोर्ट किया जाए और इसके लिए किसानों से एक नया टैक्स मांगा जा रहा था। मारवाड़ लोक परिषद इसका विरोध कर रही थी। अवैध लागबाग जो भी लिए जाते थे उनका विरोध किया जा रहा था। इल्लीगल जो भी न्यायालय ने 119 लाख पे बंद कर दी थी उसके बावजूद जो लागते ली जा रही थी उनका भी विरोध किया था, और इसके लिए तो बाकायदा कमेटी बनाई थी, एक समिति का गठन किया था कि जांच की जाएगी कौन कौन से टैक्स वगैरह ऐसे लिए जा रहे हैं। और जयनारायण व्यास जो बड़े नेता हुआ करते थे जोधपुर के, मारवाड़ लोक परिषद के भी बड़े नेता थे, और जो व्यास जी थे उन्होंने तो बाकायदा एक पुस्तक ही लिख ली थी गैर जरूरी लागते नाम से, पूरी पुस्तक ही छपवाई थी उन्होंने, और इसके अंदर बताया था भाई कौन कौन सी लागते हमसे ली जा रही। तो मारवाड़ लोक परिषद अब आंदोलन चलाती, उसने मारवाड़ रियासत की अकाल राहत नीति की आलोचना की, सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो युद्ध सहायता के नाम पर कर लिया जा रहा था उसकी आलोचना की, अवैध लागबाग जो ली जा रही थी उनका विरोध किया। इसके लिए एक समिति बनाई उन लोगों ने, जयनारायण व्यास ने किताब लिखी गैर जरूरी लागते, और मारवाड़ लोक परिषद ने अपने आंदोलन को बढ़ा दिया, किसान बड़ी संख्या में मारवाड़ लोक परिषद के साथ में जुड़ने लगे। अब जब किसान मारवाड़ लोक परिषद के साथ में जुड़ने लगे तो एक दिक्कत आई, और दिक्कत यह आई कि अब राजा को लगा कि यार यदि किसानों में इस प्रकार से राजनीतिक चेतना आनी शुरू होगी। फिर मारवाड़ लोक परिषद एक और मांग कर रही थी, मारवाड़ लोक परिषद यह कह रही थी कि उत्तरदायी शासन की स्थापना की थी, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, राजा गद्दी पर बैठा रहे हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन राजा के नीचे जो भी मंत्री बनेंगे वो जनता के बीच में से लिए जाने चाहिए ताकि वो जनता काम ढंग से कर सके। तो अब राजतंत्र को सीधा सीधा खतरा नजर आ रहा था, उत्तरदायी शासन की मांग कर रहे थे, वो राजा से अधिकार जनता को दिए जाने की मांग कर रहे थे, मांग केवल किसानों से संबंधित नहीं थी, मांग अब शासन की तरफ बढ़ रही थी। इसलिए मारवाड़ के राजा ने किसानों की एकता को तोड़ने के लिए एक नया संगठन बनवाया, मारवाड़ किसान सभा। मारवाड़ किसान सभा नाम करके एक नया संगठन खड़ा किया गया। मारवाड़ किसान सभा जो था, मारवाड़ किसान सभा की स्थापना राज्य के एक अधिकारी थे, पुलिस के एक बड़े अधिकारी थे बलदेव राम मिर्धा, इनके द्वारा की गई। राज्य में पुलिस के बड़े अधिकारी हुआ करते थे, राजा के खास सहयोगी थे, और राजा के कहने पर इन्होंने मारवाड़ किसान सभा नाम का एक संगठन खड़ा कर दिया। मंगल सिंह कछावा को उसका पहला अध्यक्ष बनाया गया था। मंगल सिंह कछावा जो थे उसके पहले अध्यक्ष थे। ये जो संगठन बना था मारवाड़ किसान सभा, इसने मारवाड़ लोक परिषद का विरोध कर दिया, और इसने मारवाड़ लोक परिषद के बारे में सीधा सीधा कहा, इसने कहा मारवाड़ लोक परिषद वाले शहरी वर्ग के नेता है, मिडिल क्लास के नेता ये सारे के सारे, अर्बन पीपल के नेता ये सारे के सारे, जयनारायण व्यास, मथुरादास माथुर, छगनराज चौपासनीवाला, राधाकृष्ण तात, अभयमल जैन, मानमल जैन, इनको क्या पता खेती कैसे होती, ये क्या जानते हैं किसानों के बारे में, इनका किसानों से कोई लेना देना नहीं है, ये एक उच्च जातीय संगठन है, अपर क्लास का संगठन है, और इनका किसानों और दलितों से कोई लेना देना नहीं है। किसानों दलितों से कोई तालमेल नहीं है।
और उन्होंने कहा कि किसानों का जो वास्तव में जो मांग है वो किसानों से संबंधित जो मांगे वो खेती से संबंधित मांगे, इसलिए हम कोई उत्तरदायी शासन की मांग भी नहीं करते, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की मांग उनका उनको करने दो, हमें नहीं चाहिए। हमें तो जो जागीरदारों का जो जागीरदारों द्वारा जो शोषण किया जा रहा है उसका हम विरोध करते हैं। राजा इनका सहयोग कर रहा था, राजा के सहयोग करने की सीधी सीधी सी वजह कि एक तो ये मारवाड़ लोक परिषद को विरोध कर रहे थे मारवाड़ किसान सभा वाले, और मारवाड़ लोक परिषद उत्तरदायी शासन की मांग कर रही थी जबकि ये उत्तरदायी शासन की मांग नहीं कर रहे थे, इसलिए राजा के शासन को सीधा सीधा कोई खतरा नहीं था। फिर जब ये जागीरदारों का विरोध कर रहे थे जागीरदार अब राजा के नियंत्रण में आते जा रहे थे, अब राजा का नियंत्रण बढ़ता जा रहा था क्योंकि जागीरदारों ने किसान सभा के डर से राजा की शरण लेनी शुरू कर दी थी, इसलिए राजा ने इस संगठन को बढ़ावा दिया। मारवाड़ किसान सभा ने 1945 में जोधपुर में किसान सम्मेलन का आयोजन करवाया, बड़े बड़े नेता शामिल हुए, यहां तक कि उस समय के मैंने पिछले वीडियो में भी बात की थी सर छोटू राम चौधरी जो अपने बड़े किसान नेता थे पंजाब प्रांत के, वो तक इसमें भाग लेने के लिए आए थे। मिर्धा जी के कहने पर खुद महाराजा ने भाग लिया था और मिर्धा जी ने इसके अंदर कहा कि हमें किसी भी प्रकार किसानों को संबोधित किया, कहा हमें किसी भी प्रकार की हिंसा में भाग नहीं लेना है, हम जितने भी काम करेंगे वो सारे के सारे न्यायालय के माध्यम से किए जाएंगे, कोर्ट्स के माध्यम से हमें जितने भी जुडिशरी के माध्यम से हमें जितने भी काम करवाने वो उनके माध्यम से काम करवाए जाएंगे। इसलिए ये जो सारी बातें थी ये राजा के फेवर में आती जा रही थी। अब ये दो संगठन यहाँ पर आमने सामने हो गए थे, मारवाड़ लोक परिषद और मारवाड़ किसान सभा। कई दिनों तक इनमें आपस में तालमेल देखने को नहीं मिला था। आप वापस देख लीजिए, मारवाड़ लोक परिषद एक पार्टी थी 1938 में बनी जो उत्तरदायी शासन की मांग कर रही थी, राज्य के अकाल राजनीति की आलोचना कर रही थी, सेकंड वर्ल्ड वॉर के सामने जो युद्ध सहायता ली जा रही थी उसका विरोध किया जा रहा था, अवैध लाख बाग का विरोध किया जा रहा था, इसके लिए एक समिति बनाई गई थी, जयनारायण व्यास ने बाकायदा गैर जरूरी लाख के नाम की बुक ही लिख दी थी। इसके विरोध में राजा के सपोर्ट से किसानों का नया संगठन खड़ा किया गया था मारवाड़ किसान सभा, जो कि राज्य के एक बड़े पुलिस अधिकारी बलदेवराम मृधा द्वारा खड़ा किया गया, जिसके पहले अध्यक्ष मंगल सिंह कछावा थे, और इन्होंने मारवाड़ लोक परिषद का विरोध किया तथा मारवाड़ लोक परिषद को शहरी वर्ग की एक पार्टी बताया, एक उच्च जाति का संगठन बताया जिसका किसानों और दलितों से कोई तालमेल नहीं है। इन्होंने कहा कि हमें उत्तरदायी शासन की आवश्यकता नहीं है, हम उत्तरदायी शासन की मांग नहीं करते, हम तो जागीरदारी शोषण का विरोध करते हैं। 45 में किसान सम्मेलन का आयोजन करवाया, इसमें सर छोटू राम चौधरी ने भी भाग लिया था, महाराजा खुद गए थे मिर्धा जी के कहने पर, और इसमें कहा गया कि हमें तो न्यायालय के माध्यम से जो भी अवैध लागतें घोषित की गई थी उनको समाप्त करवाना है और हमें किसी भी प्रकार के हिंसात्मक आंदोलन के अंदर वॉयलेंट मूवमेंट में भाग नहीं लेना है। ये दो संगठन, तो ये दो संगठन याद रखना है इनके बीच में क्या क्या बातें चल रही थी, क्या क्या काम किए जा रहे थे। इसी बीच में लोक परिषद वालों के साथ में एक घटना हुई, दो दो घटनाएं पढ़ेंगे बेसिकली, एक लोक परिषद की घटना है और एक अलग से घटना और है। हम एक घटना पढ़ेंगे चंदावल, एक चंदावल घटना पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे हम डाबड़ा कांड, दो पढ़ेंगे हम चंदावल घटना क्या हुई थी और डाबड़ा कांड क्या हुआ था। चंदावल जो घटना है यह तो है 28 मार्च 1942 की, डाबड़ा कांड जो है यह है 13 मार्च 1947 का। चंदावल पाली के अंदर एक जगह पड़ती है, डाबड़ा नागौर के अंदर एक जगह पड़ती है। लोक परिषद का एक सम्मेलन था जो मारवाड़ लोक परिषद हम पढ़ रहे थे, मारवाड़ लोक परिषद जो थी उस मारवाड़ लोक परिषद का एक संगठन था, सॉरी एक सभा थी, और मारवाड़ लोक परिषद इस दिन उत्तरदायी शासन दिवस मनाना चाहती थी और उन्होंने कहा था कि हम 28 मार्च को उत्तरदायी शासन दिवस मनाना चाहते हैं, इसलिए चंडावल के अंदर हम इकट्ठे होंगे। लेकिन यहां पर जो चंडावल का सामंत था उसने इस मीटिंग पे लाठीचार्ज करवा दिया था, खूब सारे किसान इसके अंदर घायल हुए थे। अगले दिन किसानों ने निमाज के अंदर मीटिंग करने की कोशिश की तो वहां निमाज के अंदर भी इन पे लाठीचार्ज करवा दिया गया था। इस घटना की बहुत ज्यादा आलोचनाएं हुई थी, खुद गांधी जी ने अपने हरिजन समाचार पत्र में इसकी आलोचना की थी, गांधी जी ने अपना एक प्रतिनिधि भेजा था यहाँ पर श्री प्रकाश नाम करके, गांधी जी ने अपना एक प्रतिनिधि भेजा और उनको कहा कि आप जाइए और मारवाड़ रियासत से बात कीजिए, मारवाड़ रियासत की और लोक परिषद है उनके बीच में आपस में समझौता करवाने की कोशिश कीजिए। तो चंडावल घटना पाली में भी,
चंडावल में लोक परिषद जो थी, मारवाड़ लोक परिषद थी, वो 28 मार्च 1942 को उत्तरदायी शासन दिवस मनाना चाहती थी, लेकिन चंडावल के सामंत ने उस सभा पर लाठीचार्ज करवा दिया था। अगले दिन जब ये मीटिंग नीमाज में करने की कोशिश की गई तो वहां पर भी लाठीचार्ज करवाया गया। गांधी जी ने अपने हरिजन समाचार पत्र में इसकी आलोचना की थी। अपने एक प्रतिनिधि श्री प्रकाश को लोक परिषद और मारवाड़ के बीच में समझौता करवाने के लिए भेजा गया था। 1942 के बाद जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया था, लोक परिषद भारत छोड़ो आंदोलन की तरफ चली गई थी और लोक परिषद के अधिकतर नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद का जो आंदोलन है वो आगे मारवाड़ किसान सभा चलाती, पर 1945 के बाद मारवाड़ किसान सभा को भी एक चीज समझ में आ गई थी कि बिना उत्तरदायी शासन की स्थापना के जागीरदारी उन्मूलन नहीं किया जा सकता, बिना उत्तरदायी शासन की स्थापना के किसानों का शोषण समाप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए 45 के बाद में मारवाड़ किसान सभा और लोक परिषद दोनों एकजुट हो गए थे। मारवाड़ किसान सभा और लोक परिषद ने मिलकर आंदोलन करना शुरू कर दिया था और नागौर के दाबड़ा नाम के गांव में ऐसे 13 मार्च 1947 को लोक परिषद और किसान सभा की एक संयुक्त मीटिंग हो रही थी। लोक परिषद और किसान सभा की एक संयुक्त मीटिंग थी और इस लोक परिषद और किसान सभा की संयुक्त मीटिंग पर जो डाबड़ा गांव था वहां पर यह मीटिंग चल रही थी और डीडवाना के सामंत ने लाठीचार्ज करवा दिया था। डीडवाना के सामंत ने यहां पर लाठीचार्ज करवाया। ये जो मीटिंग थी ये वहां पर एक मोतीराम जी नाम के किसान थे जिनके घर पर यह मीटिंग हो रही थी। इस लाठीचार्ज के अंदर वहां पर 6 किसान शहीद हो गए थे। प्रजामंडल के एक बड़े नेता या लोक परिषद के एक बड़े नेता हुआ करते थे मथुरादास माथुर इसके अंदर घायल हो गए थे और इस घटना की भी खूब आलोचना हुई थी। इस घटना के बाद में वहां पर जागीरदार वर्सेज किसान संघर्ष ही चालू हो गया था। किसान वापस एकजुट होने लग गए थे जागीरदारों के खिलाफ। तो दो घटनाएं सीधी सीधी सी याद रखी जाए। डाबड़ा कांड 2012 में मेंस में क्वेश्चन था डाबड़ा कांड के बारे में, आप क्या जानते हैं तो आप बता देना कि 13 मार्च 1947 को मारवाड़ लोक परिषद और किसान सभा की एक मीटिंग जो कि मोतीराम जी नाम के किसान के घर पर हो रही थी, डीडवाना के सामंत ने लाठीचार्ज करवा दिया था जिसमें 6 किसान शहीद हो गए थे तथा लोक परिषद के एक बड़े नेता मथुरादास माथुर घायल हो गए थे। उसके बाद में यहाँ पर जागीरदार वर्सेज किसानों के जो संघर्ष था वो इसके बाद में स्टार्ट हो जाता है। दो घटना याद रखने वाली, चंडावल घटना और डाबड़ा कांड। कालांतर में 1948 में जागे यहां पर उत्तरदायी सरकार स्थापित हुई, जयनारायण व्यास उसके मुख्यमंत्री बने, नाथुराम मिर्दा जो थे उनको कृषि मंत्री बनाया गया, उसमें एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाए गए और उसके बाद में जाके कहीं ना कहीं किसानों की मांगे सारी मानी गई, किसानों को उनके हक वगैरह दिए जाने शुरू हुए, उनकी जो अवैध लाग भाग थी वो बाद में समाप्त किए गए थे। और फिर फाइनली तो आजादी के बाद में जब जागीरदारी उन्मूलन नहीं कर दिया गया था, नया टेनेंसी एक्ट ही लेके आ गए थे, काश्तकारी अधिनियम ही लेके आ गए थे, उसके बाद में इन सब से मुक्ति मिल पाई थी। तो दो घटना याद रखने वाली बात है, चंडावल घटना ये बार कोई प्री में क्वेश्चन पूछा हुआ, डाबड़ा कांड ये मेंस के अंदर पूछा हुआ। दो संगठन मैंने बताए थे उन संगठनों के बारे में याद रखना, एक आपके मारवाड़ लोक परिषद जो कि 1938 में बना था, एक मारवाड़ किसान सभा जो कि 1941 के अंदर बनी थी। आप ये भी याद रखें कि मारवाड़ किसान सभा 1941 में बनी तो वो शुरुआत में मारवाड़ लोक परिषद का विरोध करती है, लेकिन 45 के बाद मारवाड़ किसान सभा और लोक परिषद दोनों एक साथ आ जाती है और उसके बाद में लोकप्रिय सरकार 1948 में जब जयनारायण व्यास के अधीन बनी तो किसानों की मांगे उसके अंदर मांग ली गई थी। इसमें एक संगठन और भाग लेता है, चूंकि नागौर पट्टी के ज्यादातर किसान जाट थे इसलिए जाट कृषक सुधार सभा भी यहां पर बनी थी 1938 में, यह संगठन भी बना था। और एक बड़ी अलग सी बात थोड़ी सी, इस संगठन ने 1941-42 में नागौर के अंदर जो भी मेले लगा करते थे, बेसिकली जो पर्वत सर का तेजाजी महाराज का मेला था और रामदेव जी महाराज का जो मेला लगा करता था, इन मेलों के माध्यम से राजनीतिक चेतना लाने का प्रयास किया था। और आप वैसे भी नोटिस कीजिए अपने पूरे राजस्थान के किसान आंदोलनों में कहीं ना कहीं सामाजिक और धार्मिक अपने जो भी त्यौहार थे उनका बड़ा महत्व है। आप बिजोलिया से देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन हरियाली अमावस्या के दिन विजय सिंह पथिक उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना करते हैं, हरियाली अमावस्या एक बड़ा त्यौहार था। बेकू किसान आंदोलन जो हमारा है वो मिनाल नाम की जगह से शुरू होता है, मिनाल हमारे वैसे एक त्रिवेणी संगम के रूप में काम करता था जहां पर मेला वगैरह लगता था। जो खालसा क्षेत्र के जाट किसानों का आंदोलन था वो मातृकुंडिया से शुरू होता है, मातृकुंडिया का मैंने बताया था वैशाख पूर्णिमा का बड़ा मेला लगता है।
हम शेखावटी किसान आंदोलन के अंदर देख रहे थे कि उन्होंने बसंत पंचमी के दिन जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन करवाया था। उसी प्रकार जाट कृषक सुधारक सभा जो कि 1938 में बनी थी, मेलों के माध्यम से किसानों में राजनीतिक चेतना लाने का प्रयास करती। मारवाड़ किसान आंदोलन जो है वो अन्य राज्यों के किसान आंदोलनों की तुलना के अंदर थोड़ा सा अलग था। कैसे अलग था, क्या भिन्नताएं थी इसके अंदर, क्या अलग चीजें थी? एक तो यहाँ पे अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक लाग भाग ली जा रही थी, दूसरे राज्यों में इतनी लाग भाग नहीं थी जितनी लाग भाग यहां पर थी। दूसरा, जागीरदारों ने भी वापस इसका विरोध किया था, जागीरदारों ने प्रतिरोध किया था। इतना बड़ा प्रतिरोध जागीरदारों का अन्य किसी स्थान पर नहीं देखा गया था, ऑर्गेनाइज्ड संगठित प्रतिरोध किया था। जब 119 लागतें समाप्त कर दी गई थी तो जागीरदारों ने उन लागतों को लागू नहीं होने दिया। जागीरदारों ने भले ही लाठीचार्ज वगैरह करवाए लेकिन किसान हमेशा नॉन वायलेंट रहे, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से ही अपना आंदोलन चलाते रहे। खुद के राजनीतिक संगठन, इतना किसी भी आंदोलन में अन्य राजनीतिक संगठनों ने भाग नहीं लिया जितने इस आंदोलन में थे। तो मैंने कई राजनीतिक संगठन बताया आप, जैसे आप बड़े बड़े से बात करें तो भी ये मारवाड़ लोक परिषद जब दूसरे चरण में वापस शुरू होता है, किसान सभा, मारवाड़ किसान सभा, एक ऊपर जो हम लिखी रखा हमने जाट कृषक सुधारक सभा, और एक बड़ी बात, किसी बाहरी संगठन का इतना सहयोग नहीं मिल पाया इनको, ये खुद के दम पर इन्होंने आंदोलन चलाया। यह भी एक बड़ी बात कि लोक परिषद के ज्यादातर जो नेता थे वो मध्यम वर्गीय नेताओं ने आंदोलन संभाला था, जैसे जय नारायण व्यास, राधाकृष्ण तात एक नेता हुआ करते थे इसके। ये कुछ बातें याद रखने वाली कि अलग किस प्रकार था मारवाड़ किसान आंदोलन, अलग से क्या विशेषताएं थी, तो लगभग अन्य राज्यों की अपेक्षा बहुत ज्यादा थी इसलिए किसानों का उत्पीड़न ज्यादा था। जागीरदारों ने संगठित प्रतिरोध किया था, बाकायदा 1943 में जब कहा गया था कि जागीरी क्षेत्रों के अंदर भूमि बंदोबस्त लागू किया जाए तो इस बंदोबस्त को इन्होंने लागू नहीं होने दिया था। 1936 में जब लागतें समाप्त की थी तब इन्होंने लागतें अवैध रूप से बाद में भी लेते रहे थे। आंदोलन संवैधानिक तरीकों से चलाया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीकों से चलाया गया था, कुछ राजनीतिक संगठनों ने इसके अंदर भाग लिया था, हालांकि किसी बाहरी संगठन का सहयोग नहीं मिला था, और जय नारायण व्यास और राधाकृष्ण तात जैसे मध्यम वर्गीय नेताओं ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया था। ये हम पढ़ रहे थे मारवाड़ किसान आंदोलन के बारे में। धन्यवाद।